गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज अपना एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्सेज लेक्चर नंबर 8 जो लास्ट टॉपिक किया था बायोएथेनॉल प्रोडक्शन प्रोसेस आप लोगों ने सीखा। आज अपने कुछ इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस एंड कुछ चैलेंज फैक्टर्स के बारे में स्टडी। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोएथेनॉल के चैलेंजिंग फैक्टर्स, यानी कि बायोएथेनॉल प्रोडक्शन करते हैं अपने यूजफुल काफी है ये, लेकिन हमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके लिए हमें सामना इसका करना पड़ता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो फर्स्ट है सेल्युलोज हाइड्रोलाइसिस। अब क्या होता है कि बायोएथेनॉल अपने बायोमास मटेरियल का यूज करके बनाते हैं, तो बायोमास मटेरियल में अपने जो सेल्युलोज स्ट्रक्चर होती है उसको बेक करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करना टिपिकल काम है। तो अपने जो साइंटिस्ट इंजीनियर्स हैं जो वो इस रिसर्च में लगे हुए हैं कि हम ऐसे जीवाणु जिनको बोलते हैं अपने एंजाइम्स, तो ऐसे एंजाइम्स डेवलप करने में लगे हुए हैं कि वो सेलुलोज स्ट्रक्चर को इजीली ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर सके। तो ये अपना एक चैलेंजिंग फैक्टर है बायोएथेनॉल प्रोडक्शन में। सेकंड है पेंटोज फर्मेंटेशन। ये अपने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि बहुत सारे एंजाइम्स जो जीवाणु हैं वो 6 कार्बन बेस्ड जो शर्करा होती है उसको तो इजीली फर्मेंटेशन कर देते हैं, बट 5 कार्बन शर्करा को फर्मेंटेशन इजीली नहीं करते। तो अपने जो इंजीनियर साइंटिस्ट जो हैं वो इस रिसर्च में लगे हैं कि 5 कार्बन शर्करा बेस्ड और 6 कार्बन बेस्ड जो शर्करा है उसका फर्मेंटेशन इजीली कर सके हम, ऐसे इंजेक्ट बनाए कि दोनों का फर्मेंटेशन इजीली वो कर सके। तो ये भी एक चैलेंजिंग फैक्टर है। नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रक्चर। अब बायोएथेनॉल का जो बुनियादी ढांचा जिसको बोलते हैं हिंदी में बेसिक स्ट्रक्चर, इंग्लिश में तो बेसिक स्ट्रक्चर इसकी इस टाइप की होती है कि ये हवा या एयर से मॉइस्चर यानी कि पानी या नमी को सोर्स एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से इसको पाइपलाइन के थ्रू हमें ट्रांसपोर्ट करना टिपिकल है क्योंकि इसमें कोरोजिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर इस टाइप की है कि ये कोरोजन वाला मटीरियल है, इसलिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन इसमें प्रॉब्लम वाली बात है। हम इसको रेल ट्रांसपोर्ट या व्हीकल ट्रांसपोर्ट, ऑटो ट्रांसपोर्ट जिसको बोलते हैं, उसके जरिए ही बायोएथेनॉल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं ड्यू टू इट्स कोरोसिव प्रॉपर्टी, क्लियर। तो ये कुछ चैलेंजिंग फैक्टर है बायोएथेनॉल के। अब एप्लीकेशंस आपको बताया था कि अपने इसको जो भी आपका पेट्रोल इंजन है तो पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट की तरह इसको यूज कर सकते हैं। आपने 5 से 85% 5 to 85% अपने पेट्रोल के साथ बायोएथेनॉल को मिक्स करके इंजन में यूज करके आपने उसको यूज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस आप अपने अकॉर्डिंगली, इस थर्मल पावर प्लांट है वहां पे एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, जो भी इंजन है उसमें हम मिक्सिंग करके इसको चला सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है इसकी सब कुछ, ठीक है। अब बात करते हैं अपने एडवांटेज। फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, क्लियर, इसको हम बना सकते हैं जब मर्जी। क्लीन एक्सहेलमेंट, क्लीन एग्जॉस्ट गैसेस। अब आया था तो कंप्लीटली अच्छे से बर्फ बनाता है, तो जो भी इसका एग्जॉस्ट धुआं निकलता है वो क्लीन। एनी थर्ड, एनी प्लांट मेंटेनिंग शुगर कैन बी यूटिलाइज फॉर प्रोडक्शन, मींस हम बायोएथेनॉल के लिए बायोमास मटेरियल का यूज करते हैं इस टाइप का जिसमें शुगर हो, ठीक है। तो जो भी प्लांट जिसमें शुगर अवेलेबल है हम उसका यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोएथेनॉल, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट कार्बन नेचुरल। कार्बन नेचुरल मींस अब बायोमास मटेरियल कैसे रेडी होता है अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, जब ये हमने स्टडी किया था। तो फोटोसिंथेसिस में जितना भी प्लांट आपका CO2 एब्जॉर्ब करता है उतना ही बायोएथेनॉल प्रोडक्शन में वो
रिलीज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्बन नेचुरल। नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीजेस ओजोन फॉर्मेशन। ये ओजोन के लिए भी अच्छा है, ओजोन परत अपनी जो है ओजोन लेयर के लिए। थर्ड, एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल्स E85 रिड्यूसेस GHGs अप टू 37%। मींस एथेनॉल को हम E85 मींस 85% एथेनॉल एंड 15% अपना गैसोलीन जो नेचुरल अपना जो भी फ्यूल है उसको मिक्स करके अगर हम यूज करते हैं तो जो ग्रीन हाउसेस गैसेस हैं, ग्रीन हाउस गैसेस उसका जो इफेक्ट है वो 37% रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इसकी कुछ एडवांटेज है। डिसएडवांटेज, सबसे बड़ी डिसएडवांटेज फर्स्ट पॉइंट बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी मींस अब हमें बायोफ्यूल प्रोडक्शन के लिए बायोमास मटेरियल चाहिए, तो बायोमास मटेरियल के लिए हमें बहुत सारे प्लांट लगाने पड़ेंगे, तो हमें जंगलों को काटना पड़ेगा, तो हमें लैंड की बहुत ज्यादा डिमांड है, तो ये सब कुछ आ गया आपका बायोडायवर्सिटी में। तो इसमें जो जीव जंतु हैं, आवारा पशु हैं, उनके लिए जो लैंड है वो कम पड़ जाएगी, बायोडायवर्सिटी में आपका पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट। मींस अब किसान जो है अब वो फूड की जगह इस फ्यूल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी प्लांट्स हैं उनको ज्यादा वो उनकी क्रॉप ज्यादा यूज करेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके बदले में अच्छा पैसा मिलेगा। तो फूड कम हो जाएगा मार्केट में तो फ्यूल के अकॉर्डिंग अगर किसान काम नहीं करेगा तो फूड और फ्यूल में इनबैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट, नॉट एज इफेक्टिव एज पेट्रोलियम। अब जो पेट्रोल फ्यूल यूज करते हैं उसका एनर्जी लेवल हाई होता है एज कंपेयर टू बायोएथेनॉल। कितना? अगर अपना पेट्रोल जितनी ऊर्जा देता है उतनी क्वांटिटी में बायोएथेनॉल को बर्न करें तो वो उसका सिर्फ 70% ही अपने को एनर्जी रिलीज करता है। क्लियर? तो जितना पेट्रोल इफेक्टिव है बायोएथेनॉल हम कह सकते हैं कि उसके कंपैरिजन में उतना इफेक्टिव नहीं है। क्लियर? कोल्ड स्टार्ट डिफिकल्टीज। अब क्या होता है जो बायोएथेनॉल है उसमें वेपोराइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो सर्दी के दिनों में हम बायोएथेनॉल बेस्ड जो इंजन है उसको स्टार्ट करेंगे तो हमें स्टार्टिंग में हो सकता है प्रॉब्लम आए। पेट्रोल इंजन है उसमें किक लगाई या सेल लगाया तुरंत स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन बायोएथेनॉल के जो इंजन है उनमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है सर्दी के दिनों में। ट्रांसपोर्टेशन मैंने बताया क्लोजिंग प्रॉपर्टी है, तो ट्रांसपोर्टेशन इसका ऑटो ट्रांसपोर्ट या रेल ट्रांसपोर्ट से ही पॉसिबल है। यूज ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। अब बायोएथेनॉल प्रोडक्शन में हम फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का भी यूज करते हैं तो जो एनवायरनमेंट के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये बायोएथेनॉल में लिए एनवायरनमेंट इको फ्रेंडली। इंजन्स रिक्वायर्ड हाई आरपीएम। अब क्या होता है कि हमने मान लो कि बायोएथेनॉल के बेस पे ही इंजन अलग से रेडी कर दिए तो वो इंजन पेट्रोल या डीजल पे रन नहीं हो सकते। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अब बायोएथेनॉल बेस्ड जो इंजन हैं बायोएथेनॉल का ऑक्टेन नंबर हाई होता है, इसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए बायोएथेनॉल वाले जो इंजन हैं उनका कंप्रेशन रेशियो में हाई रखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेनी मॉडर्न कार्स अन इक्विप्ड टू हैंडल इवन 10% एथेनॉल। अब जो बहुत पुराने ओल्ड इंजन हैं हमारे कारों के उसमें हम अगर पेट्रोल के साथ सिर्फ 10% एथेनॉल भी मिक्स करते हैं तो वो उसके ऊपर रन नहीं होती अच्छे से, तो बहुत सारे जो पुराने इंजन हैं वो बायोएथेनॉल मिक्सिंग पे रन नहीं करते हैं इवन 10%। तो 10% मिक्स किए तब भी रन नहीं करते। लो कैलोरीफिक वैल्यू मुझे बताएंगे आपको पेट्रोल इंजन के मुकाबले में या अन्य किसी फ्यूल के मुकाबले में इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कम होती है, ऊर्जा ऊष्मा कम होती है इसकी, और इग्निशन टेम्परेचर इसका हाई होता है क्योंकि इसका ऑक्टेन नंबर हाई होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कुछ पॉइंट्स हैं।